कांच ही बांस के बगहिया बगही लचकत जाए। जी हाँ, गोरखपुर के इस महापर्व छठ पर राप्ती नदी के इस तट पर यही फिजाओं में गूंज रहा है। हमने आपको शुरुआत से ही छठ पूजा कैसे की जाती है वहां से आपको सिटी वन ने दिखाया था, और अब इस पर्व का आगाज हो चुका है। और आगाज क्या, ये पर्व पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है। आइए अब इसके बाद हम आपको इसके अंजाम तक ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये छठ पूजा पूरे के पूरे परंपरागत तौर पे सालों से मनाया जा रहा है। जरा सोचिए और ध्यान भी दीजिए, क्या आस्था और विश्वास और परंपरा के नाम पर कभी भी लोगों की इतनी भीड़ जुट सकती है? जी हाँ, बिल्कुल जुट सकती है, हजारों नहीं लाखों की, और सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमी पे। छठ के त्यौहार पर दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया। छठ के घाट पर बढ़ता हुआ लोगों का हुजूम एक हकीकत है हमारी बुलंद विरासत के हैसियत की, और हैसियत भी ऐसी जिसे देखकर कई मुल्क हैरान हो जाए। जिस तरह से छठ का ये त्यौहार अपने पांव पसारते जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि छठी मैया केवल बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत ही नहीं, पूरे भारत को अपने आंचल के आगोश में ले लेंगी। आखिरकार माँ का आंचल ही होता है इतना बड़ा कि उसमें सभी के सभी समा जाते हैं, और इसी भरोसे के साथ हमारी भी माएँ अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखकर दुआएं मांगती हैं उनकी उम्र की सलामती के। अपने आंगन से छठी मैया के प्रसाद की दौरियां उठाए और घाटों तक की दूरियां तय किए हुए लोग गवाह बनते हैं इस विश्वास और परंपरा और रवायत की, जो कि हिंदुस्तान में न जाने कितने सालों से चली आ रही है। सिटी वन ने बात की उन लोगों से जो हर साल ये दौरियां उठाते हैं और तय करते हैं मीलों का सफर। बहुत बड़ा पर्व है ये, हम लोग बहुत इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं और बड़ा खुशी का माहौल रहता है। इस दौरी में माँ का प्रसाद किसी दौलत से कम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम दौलत से कम नहीं है, दौलत से भी बढ़ के है, बहुत बड़ी चीज है ये। तभी तो हम लोग आए हैं, फिर लेके जा रहे हैं, फिर सुबह आएंगे 4 बजे। तो सुना आपने कितना गहरा है इनका विश्वास और कितनी सच्ची है इनकी आस्था। इसी आस्था के बदौलत लाखों की तादाद में राप्ती नदी के दोनों किनारों पर सजे ये छठ के घाट इस बात के गवाह बनते हैं, इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया। जी हाँ, ये इंडिया ही है, और इंडिया में भी पूर्वांचल ही है, और इस पूर्वांचल में भी ये गोरखपुर ही है जहाँ पर राप्ती के किनारे छठ माँ के भक्तों का इतना बड़ा मेला लगता है, और इस मेले में बिकता है छठी मैया का आशीर्वाद, जो कि उसकी मिट्टी के वेदियों से होता हुआ सूपे और दौरियों में रखे फल, जलाए हुए दिए और राप्ती नदी के हिलोरों से सबको मिलता है। हमने निर्जला व्रत कर रही माओं से बात की और छठ पर्व के बारे में जानना चाहा कि आखिर वो क्या ऐसी ताकत है जो निर्जला व्रत रखते हुए भी प्रसाद बनाती है, साफ सफाई करती है और उसके बाद छठ के घाट तक का सफर भी तय करती है। त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है, हर सुहागिन महिला के लिए बेटे का व्रत है, और सभी लोग बड़े पूरी श्रद्धा से करते हैं। हम सभी करीब 2400 साल से इस पूजा को कर रहे हैं, छठ माता की बड़ी कृपा है हम सभी पर, और माता जी से हम प्रार्थना करते हैं कि सब पर उनकी कृपा बनी रहे, सबके बाल बच्चे सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये छठ माता का ही वो है, छठ माता का ही वो है कि हम सभी लोग जो है निर्जला व्रत रहते हैं, 24 घंटे व्रत रहते हैं, बहुत लोग दो दो दिन व्रत रहते हैं, 48 घंटे व्रत रहते हैं, और उसके बाद भी उनकी कृपा से जो है सब कुछ अच्छे से होता रहता है। अजीब सा हम लोग के अंदर ऊर्जा रहती है, जिससे हम लोग प्रार्थना पूजा सब कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। माँ तुझे सलाम,
जी हाँ, अब तो यही मन से निकलता है, माँ तुझे सलाम। ये सलाम है उन सभी माओं के लिए जिनके बच्चे हैं हम और आप, और उनके लिए भी जिनकी वजह से ये सारी कायनात इस राप्ती नदी के किनारे जमा है, यानी कि छठी मैया। लेकिन अब वक्त आ गया अपनी माँ और छठी माँ के बाद डूबते हुए सूरज के सलामी का, यानी उसे अर्घ देने का। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है, जिसमें उगते हुए सूरज को ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज की भी बाकायदा सलामी दी जाती है, पूजा की जाती है। इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया। ये डूबता हुआ सूरज लोगों से खामोशी से कह रहा है, सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, और मैं ढल भी गया तो क्या, जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा। सिटी वन के लिए क्रिएटिव एड अभिषेक श्रीवास्तव और सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सुनय पांडे की रिपोर्ट।